देखो क्वेश्चन नंबर एक, पहला नंबर एक क्वेश्चन देखो कहां से आता है, या तो आएगा वो 1.4 में से या कहां से आएगा वो आपके 1.2 में से। सिंपल क्वेश्चन है, या तो मत सपा याद करना है, एससीएफ याद करना है, या तो आएगा एससीएफ याद करना या फिर आपको 10 मिनट पुरस्कार दे सिंपल फॉर्मल इतना याद करना वो आना चाहिए। तो ये तो आने का चांस बहुत कम है क्योंकि 2 साल से लगातार आ रहा है, तो इसके आने चांस कम है, इसके ज्यादा चांस है। जैसे मान लो सवाल आ जाए कि 15/1600, इसको आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्मूले मतलब 10 मिनट प्रसार में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, याद रहेगा 1600, इसको हल करो, बाहर कितनी बार जाएगा, 2 का 800 बार, फिर 2 का 200, फिर 2 का 300 200, फिर 2 का 300 100, फिर 2 का 300 50, फिर 2 का 300 25, फिर 5 का 300 5, फिर 5 का 1, तो कितना आया है 15/, कितना आया 2, कितनी बार आया आपके 2 आया है आपके 6 बार, और 5 कितनी बार आया है आपके 2 बार है। अब जब भी देखो ये जो संख्या दे रखी है इसका मान कैसा हो, जिसके ऊपर घात कितनी हो आपके 2 भी हो, देखो 2 और केवल 5 ही आनी चाहिए, इसके अलावा और कोई संख्या आपके नहीं आनी चाहिए, या तो आएगा 2 या आएगा 5 या दोनों आ सकते हैं। केवल 2 आएगा तो भी चलेगा, केवल 5 आएगा तो भी चलेगा, और दोनों आएंगे तो भी चलेंगे। तो थोड़ा सा मान कैसा है, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। अगर ऐसा रूप है इसका तो ये क्या है आपके 7.2 टर्मिनेटिंग 7.2। अगर 7.2 है तो आगे हल करो, हल कैसे करेंगे देखो, 15/2 × 6 × 5 की घात 2, 2 कितनी बार है 6 बार, तो 5 भी कितनी होने चाहिए 6 बार होने चाहिए, 2 बार तो आगे और कितने कम है 5 की घात 4 कम है, ये 4 लिख देंगे। अब 15 × यहां तो कर लेंगे गुणा पूरा, 5 × 5 × 5 × 5 करना है, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, और यहां पर 2 भी 6 बार हो गए और 5 भी कितना हो गए आपके 6 बार, तो दोनों एक साथ कितनी बार हो जाएंगे आपके 6 बार हो जाएंगे। दोनों गुणा करो, गुणा कर आ जाएंगे 9375, गुणा करके देख दोनों गुणा करेंगे यही आएगा। अब यहाँ कितना हो गया 5 × 10 की घात कितनी हो गई 6, फिर आ जाएगा 9375/, अब जितनी घात है उतने 0, ऐसा नहीं ये 0 एक्स्ट्रा है, जितनी 6 घात है तो 6 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 या 0.0 ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए, अगर मान भाई साहब यहाँ 3 आ भी जाता तो भी ये क्या होती है आपके 7.2 होती, कैसे कट जाती संख्या ऐसे, अगर होती तो नहीं है तो, वैसे 5 भी कट रहा है एक बार लेकिन काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर एक 5 काट दो वापस गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 5 से गुणा करना पड़ेगा, काटो मत क्योंकि वैसे भी आपके 5 कम है और 5 से गुणा करना है आपको, इसीलिए तो पहले ये देखना है यहाँ पर हल करके देखना है कि केवल 2 ही आना चाहिए या कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, 2 और 5 या अलग कोई संख्या आई तो क्या होगा शांति होगी और सवाल यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अगर यह 7 आ जाए इसके अंदर 13 आ जाए 11 आ जाए तो सवाल ही समाप्त, आगे करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे आसान है, आगे हल करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ऐसा नहीं आपको 7.2 वाला ही आएगा और पूरा यहाँ तक हल करना है आपको, यही आएगा क्वेश्चन आपके, पहला क्वेश्चन यही होता है, या तो ऐसा होगा या मसअप वाला एससीएफ याद करना। सिंपल क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि 44 और 99 का क्या याद करना है हमें, एससीएफ याद करना सिंपल, तो 44 का मान ऐसे हल करेंगे तो कितना आएगा 2 की घात 2 × 11, या 3 की घात 2 × 11, संख्या कोई भी आ सकती है, बस याद क्या करना है आपको केवल एससीएफ याद करना है। अब एससीएफ कैसे याद करते हैं, एससीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जो कॉमन हो दोनों कॉमन क्या है 11 कॉमन, बस ये आंसर हो गया। अगर आपसे एलसीएम भी पूछ ले तो 2 भी लिखेंगे 3 भी लिखेंगे और 11 भी लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा घात मतलब 2 पर ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है 2, 3 पर घात कितनी है 2, 11 पर कोई घात नहीं, ना तो वहां घात है ना यहाँ पर, ये हो गया आपका कितना हो गया 2 × 2 = 4, 3 × 9 × 11, 9 = 36, 36 × 11 कितने होते हैं
36 और 3 39 कितने हो जाएंगे 396। पूछे तो ज्यादातर छोटे ही पूछते हैं, मतलब आएगा तो छोटे आएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। पहले हल करो, इस 7 दस में बताओ कि हल करना है। अब है आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कैसे आता है? सिंपल क्वेश्चन आएगा सीधे चैप्टर नंबर 5 से। सिंपल जैसे मान लो दे रखा है 3 17 कितना हो गया, देखो कविता और 17 कितना हो गया, 31 17 कितना हो गया आपके 45। ऐसी कोई एपी आएगी समांतर श्रेणी दे रखी है। सिंपल पूछेंगे ज्यादातर तो पूछा रहे हो पिछले 5 साल से लेगी पॉइंट पूछा है डी ज्ञात करो। सिंपल तो क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 में से 3 गए कितना आते हैं आपके 14 आ जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेंगे कि बताओ कि 21वां पद क्या है, ये 17वां पद कौन सा है, या 18वां पद कौन सा है। तो क्या है सूत्र ज्ञात करने का, ए प्लस बी सी जितना है उससे कम। एक तो यह आ गया, बाकी का 12 12 अंतर है। 19 पूछ जाए तो ए प्लस 18 डी, 17 पूछ जाए ए प्लस 16 डी। सिंपल नहीं तो यह लगा दो ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। एक तो यहाँ रहेगा, एक घटाकर माइनस करके यहाँ लिखना है आपको, ये और ये एक ही सेम। ए कितना 3, 20 का 20, डी कितना 14, गुणा करो पहले से 3 का 3 पहले गुणा करेंगे कितना होता है 280 और 3 कितना हो गया आपके 283। सिंपल ये क्वेश्चन याद तो पूछेंगे ये, या केवल डी ही पूछेंगे आपसे। इसमें ये होता है ए कितना है 3, ए 3 हो गया, डी ये हो गया। या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं बताओ, अगले पद बताओ, अगले 2 पद बताओ। और तो देखो हमारे पास 4 पद तो हमारे पास है, और पूछ ले ज्यादा से ज्यादा 5वां पद बताओ तो कैसे याद करेंगे। 4वां पद तो हमारे पास है ही है, इसके अंदर क्या जोड़ लो अंतर और जोड़ लो। अंतर कितना है, अंतर हमने याद किया था, तो उधर जोड़ लो कितना हो जाएगा गुणसार। अंतर माइनस का है तो घटा दो, प्लस का है तो जोड़ दो। ये 6 पूछे तो क्या आ जाएगा आपके, ये वाली संख्या यहाँ लिख दो और प्लस उधर कितना हो गया 70। ऐसे याद नहीं करना है, ऐसे याद कर लो 50 प्लस उधर कितना होते हैं आपके 73। अब आपसे आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते, जैसे मान लो ये पद मुझे याद करना है, ऐसे भी याद कर लो ए प्लस 5 डी, ए कितना है ये राशि आगे दे रहेगा 3, 5 का 5, डी का मान कितना है 14 का 5 कितना हो गया 70 और 3 कितना हो गया 73। ऐसे करो, ऐसे कर लो कोई भी। अगले 2 पद पूछ सकता है, या डी पूछेगा, या कोई भी टर्म पूछ सकता है, तीनों में से कोई एक हर साल आता है। ज्यादातर यही आता है बस डी याद करो। अब डी याद करने में आता क्या, सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं माइनस में 3 माइनस में 7 ऐसा पूछ लेते अंतर, थोड़ा माइनस में आ जाता है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस के 7 में से घटाएंगे कितना माइनस का 3, ये तो है माइनस का 7 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4, ऐसा लिखना आगे समझ में। ऐसा याद करते हैं 5 चैप्टर में से सवाल। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये कहा जाता है चैप्टर नंबर 6 में से। सिंपल सिंपल देखो, सबसे पहले आपको दे रहा है 6.1 से कैसा क्वेश्चन बनता है। अब 6.1 से कैसा क्वेश्चन बनता है, सिंपल है कि बताओ कि वर्त कैसा है। सिंपल अगर खाली जगह पूछ ले कि वर्त क्या है, समरूप है। वर्त क्या है, समरूप। कल 6.1 देखो, 6.1 छोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं, वर्त कैसा है, समरूप है, सिमिलर। और वर्त पूछे तो भी समरूप है, और वर्ग पूछे तो भी समरूप, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये भी समरूप है। और तीसरा कौन सा करती है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है आपके बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों चीजें क्या है आपके समरूप है। तो ये अगर तीनों भी के बारे में पूछ ले, समबाहु त्रिभुज है ये वाला जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, फिर स्क्वायर है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसके पास और वर्ग आ जाए छोटा है या बड़ा है क्या होगा आपके समरूप होगा, और एक वर्त है सर्कल ये भी क्या होता है, इसके पास जितने भी सर्कल बनाओगे सारे के सारे क्या होंगे आपके समरूप, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो 6.1 में क्वेश्चन आपके यही बनेगा। फिर आता है आपके 6.2 में से, जो जीवन के लिए जाए यार। अब है आपके 6.2 में से थ्योरम है, 2 थ्योरम 6.1 6.2 6.1 तो क्या कहता है आपके, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपके, ये और ये रेखा क्या है आपके समांतर है, ये 1 है ये 2 है ये 3 है, तो बताओ ये कितनी, ये इसका डबल, यहाँ भी क्या आएगा इसका डबल आ जाएगा। से कैसा आएगा, जैसे मान लो ये लिखो डी ई, ये हो गया ए बी और सी,
डीई समांतर क्या है आपके बीसी रेखा है समांतर, तो भुजाएं क्या होंगी आपके समानुपाती, मतलब क्या हो जाएगा आपके एटी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी, एक बटा दो बराबर है आपके क्या नाम है तीन बटा ईसी आ जाएगा। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, सीधा गुणा करो कितना होता है ईसी बराबर क्या होगा तीन दूनी छह, ये ऐसा आ जाए। देखो उसी फर्स्ट उसी चैप्टर में से क्या बनता है क्वेश्चन, देखो ऐसा आ जाए आपके ये दे रखा है आपके एक दो और ये दे रखा है तीन छह, अब बताओ कि रेखा समांतर है या नहीं। जैसे हमने यहाँ क्या थ्योरम लगाया था, परमेय क्या लगाया था आपके 6.1 लगाया था। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे हम, जैसे यहाँ डी और ई है तो क्या लिखेंगे, इन दोनों में जो अनुपात है मतलब ए डी बटा डी डी में जो अनुपात है वही अनुपात क्या होगा ए ई बटा इसी में है। तो अब है कि नहीं पहले देखना पड़ेगा आपको, ये तो हो रहा है एक बटा दो, अब इधर याद करो ए ई बटा इसी, अब इन दोनों में देखेंगे अनुपात, ए कितनी है तीन है और इसी कितनी है छह, काटो तीन एकम तीन तीन दुनी जो इसमें अनुपात वो इसमें भी आ गया। अब यहां लिखेंगे ऐसा ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा इसी बराबर है, तो रेखाएं क्या हो जाएगी आपके समांतर हो जाएगी, तो लिखेंगे हम डी ई समांतर क्या होगा आपके बी सी, कारण लिखेंगे परमेय नंबर 6.2, तो ये 6.1 और था ये क्या हो गया 6.2 में से यही क्वेश्चन बनता होगा, क्वेश्चन बनता नहीं, या तो पूछेंगे 6.1 का प्रयोग करो या फिर 6.2 का, रेखा है समांतर है तो भुजा ज्ञात करो, भुजा समानुपाती है तो रेखा है समांतर करो, ये पूछ सकते हैं। अब है 6.3 में से, अब 6.3 में तो क्या है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, एक तो 55 डिग्री वाला यह ऐसा आ जाए। देखो 6.3 में क्या है आपके तीन नियम है, 6.4 6.5 और 6.3 तीन थ्योरम है, एक थ्योरम तो पूछेंगे नहीं ये फालतू के थ्योरम है, 6.2 से लगाकर 6.5 तो फालतू के कोई काम के ही नहीं, ना पूछते ना कुछ उसमें कोई मतलब ही नहीं, तो वो आते ही नहीं आपके थ्योरम तो नहीं आते हैं लेकिन उनका प्रयोग होता है। अब कैसा होता है, ऐसे ये त्रिभुज दे दिया आपको, दोनों त्रिभुज क्या है आपके समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या दे दिए समरूप है, इसने कहा है कि ये कोण 60 डिग्री है ये कोण 80 डिग्री है, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, तो अगर समरूप है तो ये 60 तो ये भी कितना आएगा, अब ये वाला ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, 180 में से घटा देंगे कितना, इन दोनों की जोड़ 140 घटा देंगे कितना आ जाएगा 40, ऐसा लिखेंगे पहले ये दोनों बराबर, कारण दोनों त्रिभुज क्या है आपके समरूप है, फिर 180 में से कैसे करेंगे हम तीनों का योग, एफ प्लस 60 प्लस 80 बराबर कितना हो गया आपके 180, ये उधर भेज दो कर दो आप माइनस कर दो, कर दोगे ऐसा तो अब और क्या क्वेश्चन, एक वो क्वेश्चन जो आगे एग्जाम आ चुका है ये वाला, अब ये दे रखा है आपके 125 डिग्री, ये दे रखा है कितना 70 डिग्री, आपसे ये वाला कौन पूछेगा ये बताओ कि एक्स कितना है, बताओ कि वाई कितना है और बताओ कि जेड कितना है, सबका मान एक ही 55 डिग्री और कोई है ही नहीं, कैसे याद करेंगे, सबसे पहले ये याद करेंगे बताओ y और 125 को जोड़ने पर कितना आता है 180, कारण है आपके रेखिक कोण युग्म मतलब लीनियर पेयर, रेखिक कोण युग्म प्लस का उत्तर किस में आ जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 180 माइनस 125 कितना आ जाएगा 55। अब ये वाला कैसे याद करेंगे, दो तरीके हैं, त्रिभुज के तीनों कोण योग कितना होता है 180 से कर लो, या फिर नियम क्या है इन दोनों कोणों का योग बाहर बने कोण के बराबर होता है, कारण होता है आपके बहिष्कोण, x का और 70 का मान होता है 125 के बराबर, तो 9th पढ़ा था आपने, इन दोनों कोणों का योग बाहर बने कोण के बराबर होता है बहिष्कोण, प्लस का उत्तर भेद हो जाएगा x का मान हो जाएगा 125 माइनस 70 कितना आएगा 55, अब ये आ गया 55। अब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, क्या लिखेंगे कोण x और कोण z क्या है बराबर, कारण त्रिभुज समरूप है, एकांतर मत लिखना अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण मत लिखना, एकांतर कोण मत लिखना क्योंकि गलती हो जाएगी, क्योंकि रेखाएं समांतर नहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं सवाल के अंदर, तो नंबर मिलते हैं इसी के मिलते हैं, बाकी दो तो सिंपल है आपके मन आधा तक मिल मान लो इसका मिल जाएगा तो आधा नंबर काट देंगे पूरा आपके, केवल ये आपने सही लिखा दो क्योंकि इसका ये दोनों बराबर है, कारण क्या है आपके त्रिभुज क्या है दोनों ही समरूप त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपके समरूप है इसीलिए हो रहा है वरना नहीं होता है।
और देश में कोई एक नंबर का क्वेश्चन बनता नहीं है। अब है आपके 6.4, 6.4 में से क्या है, एक ही पॉइंट है थ्योरम नंबर 6.6। थ्योरम कौन सा लगता है, 6.6 है वो। अगर दोनों त्रिभुज क्या है आपके समरूप, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। दो चीज पूछेंगे इसमें, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात क्या करो, भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो क्षेत्रफल अनुपात क्या करो। जैसे दे रखा है मान लो आपके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल अनुपात दे रखा है मान लो कि 100 गुण कितना दे रखा है आपके, 100 गुण 70 और मान लो 44 का दे रखा है, ऐसे कि इन दोनों का अनुपात 100 गुण 70 और 44 का है, तो बताओ भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल दे रखे दोनों के और हमें याद करनी है भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जैसे मैंने बड़ा दिया संख्या छोटी छोटी आती है, 16 है, 16:25 कर दो या 16:50 कर दो या 25:50 कर दो या 81:50, कोई भी संख्या है जिसका वर्गमूल लिखा ऐसी संख्या ही देंगे आप, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं ऐसी संख्या मिलेगी आपको। इसका कितना होता है 13 का, कितना होता है 12 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल तो क्या आएगा, ए बी अनुपात पी क्यू कितना आ जाएगा, 13:12 आ जाएगा। अब ये भुजाएं दे दे और ज्ञात कर लो कि क्षेत्रफल क्या होगा अनुपात, तो भुजाओं का पहले आ जाए तो भुजाओं आगे क्या करेंगे, देखो भुजाएं जैसा आ गया आपके 4:5, भुजाओं अनुपात कितना दे दिया 4:5, अब पूछे क्षेत्रफल अनुपात बताओ, पहले लिखेंगे हम थ्योरम ये वाला, ऐसा लिख दो पीछे लिख दो प्रमेय नंबर 6.6, फिर ये संख्या इसके नीचे लिख दो और यहाँ जैसे लिख दो, यहाँ क्या लिखेंगे ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब यहां तो भुजाएं लिखी है, अब इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर, 4 का और तो 5 का 25, 16:25 या ऐसा आ जाए बीच में कोई बिंदु, एक त्रिभुज है इसके बीच में मध्य बिंदु है, यहां से पूछ ले तो ये भुजा आपकी आधी है, ये भुजा क्या है डबल है, ये एक है तो ये कितनी है 2 है, तो 1:2 होगा, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अगर मध्य बिंदु से दिया हुआ है तो लिखेंगे ये भुजा एक है तो ये भुजा कितनी है डबल है इसका, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर लगाओ तो 1/4 हो जाएगा। अब है आपके 6.4 हो गई, 6.5, 6.5 में से है आपके वो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या एक और भी है 6.3, 6.3 में से एक क्वेश्चन आता है कौन सा आता है, अब मान लो कि पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर और ये दे रखा है आपके 3 मीटर, या ऐसा मान आ जाएगा आपके 5 मीटर ऐसा दे रखा है, अब ये हो गया है आपके 15, तो बताओ ये वाली कितनी, मान लड़के की ऊंचाई तो 12 मीटर समझ लो और ये चाहे मान लो 12 फुट समझ लो, 12 मीटर समझ लो, ये छाया कितनी है 5, अब बिल्डिंग की जो छाया है वो तो है 15 फुट और यहाँ पर हाइट क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे पहले इनको दोनों को मिलाएंगे ऐसे, तो नाम क्या है ए बी सी और ये हो गया पी क्यू और आर, इसमें क्या करेंगे वो पहले दोनों को समरूप करेंगे, कैसे करेंगे समरूप, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्या हो गया है पी क्यू आर से, 3 चीजें बराबर करनी है या 2 ही खूब है, कौन सी, एक तो ये हो गया आपके कोण, कितना कोण बी बराबर क्या है कोण क्यू, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कारण को के सीधी ऊंचाई, ऊंचाई बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हाइट हो गई आपके, इसीलिए दूसरा कारण क्या लिखोगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, या लिख सकते हो एक ही समय सूर्य द्वारा सभी जगह कोण क्या होते हैं एक समान होते हैं, अब चाहो लंबी लाइन लिखो कैसे लिख दो, या लिख दो कोण सी बराबर कोण आर है, ये हो जाएगा आपके ओनियन कोण, या जैसे सूर्य के एक ही समय पर बनाया गया है उसके अंदर लिखा हुआ है उसी समय, तो वो जो लाइन थी वही कॉपी कर लो सीधा सीधा, उसी समय बना हुआ कोण, क्योंकि सूर्य एक समय में सब जगह एक जैसा ही कोण बनाता है, इसीलिए तो नियम कौन सा लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर समरूप है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी आपके समानुपाती, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर,
अब ये तो है 12/h, कितना है 12/h, और ये कितना है 5/15। इस क्वेश्चन गुणा, इस क्वेश्चन गुणा, तो क्या आ जाएगा 5h = 12 × 15 गुणा में तो भाग में, वैसा होता सीधा काट लो पहले आप, 5 × 5 = 15 ठीक से गुणा कर लो, तो h का मान कितना आएगा 12 × 36 ऐसा आ जाएगा। वैसे देखो यहाँ 3 गुणा है, यहाँ भी क्या आएगा 3 × 36 आएगा, इसमें जितना बनता है उसका यहाँ भी वही बनेगा अनुपात। आगे समझे ये वाला भी। अब 6.5 बची है, इसमें से छोटा क्वेश्चन क्या आएगा आपके, कर्ण आधा लंब 3 दे रखे हैं, 3 में से कोई एक गायब है, वो क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ये रहा, ये तो है कर्ण, ये है आधार और ये दे रखा है लंब, दोनों तीनों में से एक पॉइंट गायब है, वो क्या करना है आपको ज्ञात करना। अब कैसे पूछ सकते हैं, अब ऐसा पूछ लिया कि एक खंभा तो दे रखा है 6 मीटर का, एक दे रखा है 11 मीटर का, इनके बीच का गैप है 12 मीटर का, तो ये गैप यहां भी रहेगा, ये पूरी 11 है और ये पूरी कितनी है, तो यहां 6 है तो यहां भी कितनी आ गई, तो ये कितना 5, क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये 6 है और कुल कितनी है 11 है, क्या करेंगे 11 में से ये वाला मान घटा देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा आपके 5 5, ये 6, ये पूरा कितना हो गया आपके 11 हो गया। अब क्या इससे पूछा है, दोनों खंभों के ऊपरी जो भाग है वो ये मुझे ज्ञात करनी, ये वाला, ये क्या है आपके कर्ण है, ये कर्ण कह सकते हो, कर्ण ज्ञात करना। अब कर्ण कैसे ज्ञात करें बताओ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, 25 + कितना होता है 170। ये तो स्क्वायर है, ये तो आगे समझिए 5 का 25 12 का 44 जोड़ लो 170, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, ये 13 का वर्गमूल है, निकालेंगे तो इसका मान 13 आएगा। ये ऐसा है या तो ऐसा दे दे, ये दे रखी है दीवार, दीवार पर या खिड़की दे रखी है, या हमने लगाई सीढ़ी लगाई और ये दीवार से कितनी दूर है पूछ ले, इसने दे दिया कि सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर है, ये वाली जो ऊंचाई है वो आपकी हो गई है कितना 24 मीटर हो गया, अब बताओ ये वाला गैप कितना है पूछ ले, तो क्या करेंगे हम, कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार लंब का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 × 25 625, 24 × 24 500, घटाओ कितना आता है 49, स्क्वायर हट गया तो यहाँ लग जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगी 7 आपको, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उसी में से ऊपर नीचे कर देंगे सवाल को, और आपके यही पूछेंगे कर्ण आधार लंब तीनों में से कोई एक, ऐसा आ जाए कि ये 24 है, ये 25 है और ये कितना है आपके 7 है, कितना है आपके 7, ये तीनों दे रहे बताओ ये कौन कितना, तो क्या करेंगे हम इसका वर्ग अलग ज्ञात करेंगे, कितना होता है 625, इन दोनों का वर्ग हम अलग ज्ञात करेंगे, ऐसे अलग, इसका मान कितना आएगा 625, फिर लिखेंगे हम बड़ी वाले क्या नाम है, बड़ी वाली भुजा का वर्ग अन्य दो के बराबर रहते हैं, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अंदर कितना डिग्री कोण आएगा 90 डिग्री, और कोई सवाल नहीं बनता है इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और थोड़ा क्वेश्चन आपके बन नहीं रहा इसमें से। अब चैप्टर 8 में से क्या आता है, सबसे पहले 8 पॉइंट यही देखते हो, एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे पहले देखेंगे, 8.1 में से कौन सा बनता है, सिंपल क्वेश्चन बनेगा 8.1 में से, जैसे दे रखा है साइन का वैल्यू दे रखा है, साइन वैल्यू कितना दे रखा है 4/5, कितना दे रखा है 4/5, या कोई ऐसा आ जाए कि 5 sin A = 4, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, फर्क क्या है ये गुणा में कितना हो जाएगा, तो साइन का मान क्या हो जाएगा 4/5, साइन का मान दे रखा है हमें, कोस का या टेन का या सेक का, कोसेक का कोई भी मान ज्ञात करना हो तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, पहले क्या करेंगे हम, तो साइन किस में आता है वही साइन याद है नहीं, लाल बट्टा कक्का, या अगर इंग्लिश है तो पी बी पी बराबर एच एच बी, इंग्लिश में होता है, हाँ दो ध्यान दो, इसमें क्या है आपके लंब बटा कर्ण, ये पहली लाइन, अब इसमें लंब है कर्ण है क्या नहीं, इसके अंदर आधार नहीं, तो पहले आधार ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर,
कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 कितना रहेगा 9। ये तो आधार का स्क्वायर स्क्वायर हट गया, अब यहाँ क्या लग जाएगा आपके अंडर रूट। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है 9 का वर्गमूल। आगे समझ में 9 का वर्गमूल 3। ये मान लिखना है, आगे हल करना है, कर्ण लंब की लंब लिखना है, सिंपल सवाल है। अब ये आगे आता, अब आपसे कोई भी पूछ ले बताओ कॉस क्या है, ये वाला मान रहा कितना जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार 3, कर्ण कितना है, कर्ण 5 है, लंब 4 है, ये 5 हो जाए। ये ऐसा पूछ ले के बताओ कि ऐसा पूछ ले कि साइन ए बटा कॉस ए प्लस टेन ए, ऐसा कोई मान पूछ ले तो टेन का मान याद करो, कॉस का मान भी याद करो और साइन का मान भी याद करो, या जमो और हल कर लो। जैसे साइन का मान कितना है 4/5, कॉस का मान कितना है 3/5, और टेन का मान कितना है, कि टेन का मान कैसे याद करेंगे, लंब बटा आधार, अब लंब कितना है 4, आधा कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4/3, ऐसे याद कर सकते हैं। सिंपल बिल सफल लो, ये 4/5 और ये कितना हुआ 5 × 15, 5 × 5 कैसे 3 किया 3 × 5 भाग गया तो 5 × 20, ऊपर तो आ गया 4/5 और नीचे क्या है 20 × 9 29/15, ये संख्या नीचे आ जाएगी और ये संख्या हो जाएगी आपके उल्टी। अब कटो तो काट दो, भाग जा रहा कितनी बार 3 बार, तो 4 × 12 क्या आ जाएगा 29। सिंपल क्वेश्चन ही आएगा या तो ऐसा ही आएगा, सिंपल कॉस है टेन है, सिंपल याद करो। फिर है आपके 8.2 में से कैसा आएगा, 8.2 में तो सारणी है, इतनी बड़ी सारणी दे रखी है, या तो याद कर लो, याद नहीं भी हो तो टेंस लेने की जरूरत नहीं है, एक या दो मान पूछेंगे, इतनी बड़े सारणी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। और सारणी का सवाल वैसे भी 4 साल हो गए, सबसे पहले आया था 2012 में सवाल, उसके बाद क्वेश्चन है ही नहीं के मान लिखो, क्योंकि सब क्या इजी है, जैसा दे रखा है उसके मान जमाना बिल्कुल सिंपल। जैसा आ जाए तो बताओ साइन 60 डिग्री प्लस ऐसा कुछ आए सवाल, जो मान दे रखा है वो जमा हो तो हल कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर 8.3 में से कैसा आएगा, अब 8.3 सिंपल क्या है, एक तो ये हो जाएगा 10 × 15 डिग्री बटा कॉट 75 डिग्री, ये हल करो तो क्या हो जाएगा, 10 का मान क्या होता है कॉट 90 − 15 डिग्री, और यहां भी हो जाएगा कॉट 75 डिग्री, क्योंकि नियम है कि टेन थीटा का मान क्या होता है कॉट 90 − थीटा, मतलब जो टेन के पास लिखा हुआ है वो कॉट ऐसा लिखो और ये मान माइनस के पीछे लिख दो, ये वाला मान जैसे मैंने लिखा कॉट लिख दिया, 90 भी लिख दिया और ये वाला मान कहां आ गया 90 के पीछे आ गया। अब कॉट का कॉट घटा दो 90 में से 15 गए 75, यहां भी क्या आएगा कॉट 75, सेम मिल गए दोनों, ये कट जाएंगे उत्तर क्या आ जाएगा एक, या तो आएगा ऐसा या माइनस में भी आ सकता है, माइनस में आए तो माइनस कर लेंगे, माइनस आए तो 0 उत्तर होगा, गुणा भाग में आए तो 1 उत्तर होगा। और तो क्वेश्चन कौन सा इसमें एक नंबर क्वेश्चन यही बनता है, वो तो 3 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में तो यही आएगा। अब एक 8.4 में से वो 3A वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो कौन याद करते हैं, वो शायद बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, छोटे छोटे बता रहा हूँ 1 नंबर के तो बनते हैं वो वाले। अब 8.4 में से क्या है क्वेश्चन तो पूछ ले आपसे कि जैसे पूछ ले बताओ कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए को आपको बदलना है साइन में, तो उल्टा कर लो या ऐसे कर लो कोसेक को आपको मान चेंज करना है, मान लो कॉट में बदलना है तो कैसे बदलेंगे बताओ, कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 + cot² a, स्क्वायर हट गया तो यहाँ क्या लग गया आपके अंडर रूट, जब तक दोनों की जोड़ नहीं होगी तब तक हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये सिंपल कोई सूत्र पूछ रहे आपसे सिंपल क्वेश्चन, बाकी ज्यादा अगर हार्ड नहीं आएगा, या फिर पिछले वाले बोर्ड के पेपर है वो पढ़ लो, आप बोर्ड पेपर देखो तो जो आपके पार्ट कौन सा है आपके भाग सी भाग है, हाँ बी भाग, बी पार्ट दे रखा है, बी पार्ट में 11 नंबर सवाल 12 और 13 3 सवाल दे रखे हैं लगातार, वो तीनों क्वेश्चन आपके हर बार पहले 3 क्वेश्चन आते थे 2-2 नंबर के, एक ही पार्ट में सब क्वेश्चन आते थे 2012, 2013, 2014 सब में आते थे आपके 2013, 2014 में और 2015 में, इनके क्वेश्चन वो देख लो और बाकी बताए इसमें से कोई आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं आएगा। अब है चैप्टर नंबर 10 में से क्या आएगा आपके
सिंपल है, ये दे रखा है वर्ग, ये दे रखी है त्रिज्या और ये दे रखा है सामने कोण, ये वाला कोण दे रखा है 70 डिग्री, तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, या 80 दे रखा है तो वो कितना होगा। दोनों की जोड़ कितनी होती है 180 होती है। क्या करना है, 180 में से 80 गए कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। सिंपल बस ये आप करना है, याद है आपको लिख दो पूरा कंप्लीट कि इसके चारों कोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों नाम एबीसीडी, चारों योग कितना होता है आपके 360 होते हैं। यहाँ लिखना है कि ये वाला कोण और ये वाला जो कोण है कितने कितने है 90 90 के, यहाँ भी लिखेंगे 90 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 90। अब एक मां कितना दे रखा है आपके 80 और चौथा कोण क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ये वाले सारे मां उधर भेज देंगे तो ये कितना है 90 90 180 180 80 260 घटाओ तो कितना आएगा आपके 100 ही आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं आ रहा है कौन चारों कोण को नाम लिखे तो सिंपल है घटाना है 180 माइनस 80। या क्या पूछ ले, ऐसा पूछ ले आपसे आधे पूछे कि ये है आपके 80 डिग्री, बताओ ये, बताओ ये वाला कोण कितना, आधा ही नाम पूरा पढ़ना है कौन सा पूछा है, बी ओ सी है ए ओ बी है या ऐसे पूरा हो जाए, ये नहीं है आप याद क्या हो ये वाला और पूछ ले ये वाला। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 50। इसमें क्या करना, बस 2 का भाग देना और कुछ नहीं करना। और लास्ट क्या पूछा था इसमें से वही क्वेश्चन, ये वर्त दे रखा है आपके, ये पूछ ले कि वर्त की त्रिज्या है 5 और उसकी स्पर्श रेखा ये वाली टेंजेंट स्पर्श रेखा है वो कितनी दे रखी है आपके 12, तो बताओ केंद्र से दूरी कितनी। तो वही कर्ण का जो अभी मैं बताया था त्रिज्या और इसमें कितना डिग्री कोण होता है 90 डिग्री का, वो नियम लिखेंगे कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर होता है, फिर ये वाला ज्ञात हो जाएगा। वैसे भी क्या है अगली सेट में अगर वो आ गया तो फिर आपके ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपके यहाँ ऐसा पूछ ले कि स्पर्श रेखा दे रखी है, देखो तीनों के नाम याद होने चाहिए, ये तो है डिस्टेंस मतलब दूरी, ये है आप केंद्र से दूरी ये वाला और ये वाला है स्पर्श रेखा, ये थोड़ा ध्यान देना, ये है टेंजेंट और ये क्या है आपके त्रिज्या है। तीनों में से जो गायब हो वो क्या करना है आपको ज्ञात करना। साइड पूछेंगे ऐसा पूछ तो नहीं है, हाफ फेल में आता है ऐसा, अब बोर्ड में ऐसा नहीं आता, बोर्ड में ऐसा ही आता है पिछले 6-7 5-7 से ही आ रहा है, तो यही सिंपल आपको घटाकर सही करना है।